देखेंगे एमपी ट्रेजरी में जो गुमास्ता या स्वैप का रजिस्ट्रेशन का चालान है वो कैसे भरेंगे, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। और इसके यहाँ पे देख सकते हैं साइबर ट्रेजरी में, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखें यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो अनरजिस्टर यूजर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉमन चालान पे आएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपसे डिपार्टमेंट ऑफ हेड ये सेलेक्ट करेंगे और इसमें यहाँ पे देखें 16 नंबर पे ये लेबर दिख रहा है, इस पर इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये डिटेल आपको भरना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर पास हो तो भर सकते हैं और नेम ऑफ द टैक्स पे या अपना दुकान का नाम लिख सकते हैं या अपन दुकान का जो मालिक उसका नाम लिखें यहाँ पे, ऑफिस नेम जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिखें। उसके बाद अपन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है अपना दुकान का जो भी है, तो हाउस नंबर, स्ट्रीट, रोड नंबर, सिटी, टाउन जो भी हो स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट में जिसमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और फ्रेम डेट आप कौन सी डेट से कब तक के बनवाना चाहते हैं। तो गुमास्ता तक चालान जो रहते हैं लगभग 5 साल के लिए रहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम टू टू डेट तक। और उसके बाद जो मेन इसमें रहता है हेड ऑफ अकाउंट, तो इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप इसको हेड ऑफ अकाउंट जो रहेगा इसमें ये वाला सेलेक्ट करेंगे 0230001014x0, तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें, रिसीव्ड अंडर लेवर इसको सेलेक्ट करेंगे आप, जो कि गुमास्ता के लिए या दुकान रजिस्ट्रेशन के लिए जो हेड हो ये वाला रहेगा 0230001014x0 रिसीव्ड अंडर लेबर लाज इसको सेलेक्ट करेंगे। और इसको बाद ये पर्पज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे गुमास्ता रजिस्ट्रेशन या शॉप रजिस्ट्रेशन जो भी है, और उसके बाद जो जिस भी अमाउंट को आप भरना चाह रहे हैं चालान ये भर सकते हैं। तो अभी ये अपडेटेड है क्योंकि आप देख सकते हैं ये हेड अपडेट हो के आया है यहाँ पे, तो ये इस वाला हेड रहेगा, पहले वाले जो था वो अलग था लेकिन ये अपडेट हो गया है, नए वाला जो वेबसाइट है उस पर ये वाला हेड आया है। तो इसके बाद अपना जो अमाउंट है वो भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे एड मोड चला। तो अगर आपका इसका डिटेल से पूरा फॉर्म कैसे भरते हैं उसका वीडियो देखना चाहते हैं, आपका ऊपर आई बटन पे ये लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके क्लिक करके आप इसका पूरा डिटेल से फॉर्म कैसे भरते हैं वो पूरा देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल से ये बताया गया है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।